hello students welcome to conceptual biology with sarah today our topic is cell okay we will study what is cell and what is the mo modern theory of cellular organization so first of all let's look at the definition of cell cell is the structural and functional unit of living organism what does this mean स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक ऑर्गेनिजम बनता है तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है ये सेल्फ प्रोवाइड करता है इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ देखें जिस तरह हम दीवार बनाते हैं तो दीवार डायरेक्ट पूरी दीवार तो हम कड़ी नहीं करते ना हम क्या करते हैं एक एक ईंट मिलकर पूरी दीवार को बनाते हैं सो वी कैन से के ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ वॉल या ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वॉल तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर आता है फंक्शनल यूनिट तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि मुख्तल जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं ठीक है वो बिल्कुल सेलुलर लेवल पे होते हैं लाइफ की डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ जैसे रिस्पायरेशन हो गया इसके अलावा मेटाबॉलिज्म uh, हो गया ये सारे क्या होते हैं ये सेलुलर uh, लेवल पे होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं हमारे पास मॉडर्न थ्यूरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो थ्यूरीज तो बहुत आ गई सेल के बारे में कि सेल में क्या क्या अहम अहम बातें हैं सेल है क्या चीज़ लेकिन जो मॉडर्न थ्यूरी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है वो कौन सी थी मॉडर्न थ्यूरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ये प्रजेंट किसने की दो जर्मन साइंटिस्ट थे एक जोलॉजिस्ट था जिसका नाम ट्वेटर श्वान था और दूसरा जो था वो बॉटनिस्ट था मैथियस क्लेडन इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक साथ काम नहीं किया बल्कि इंडिपेंडेंटली ये लोग इस बात को इन्होंने कंक्लूड किया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका बेसिक यूनिट सेल ही है वो एक सेल से या तो बने होंगे जैसे कि यूनि ऑर्गेनिजम्स यूनीलुलर मींस यूनी मींस वन एंड सेलुलर सेल तो जो एक सेल से बने होंगे या तो उनको यूनिसेलुलर कहेंगे या फिर बहुत सारे सेल से और मोर सेल्स तो फिर वो कहलाएँगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेकिन बनेंगे ये सेल से बेसिक यूनिट इनका क्या होगा सेल होगा All new cells arise from the pre-existing cells. अब देखिए बच्चा जो जो साइज़ में बढ़ता जाता है जब वो इन्फेंट होता है बिल्कुल नमोलूद होता है तो उसका साइज़ एक जैसा होता है लेकिन वक्त के साथ साथ उसका, उसका साइज़ बढ़ता जाता है उसकी ग्रोथ होती है तो ग्रोथ कैसे होती है जब सेल एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर वो डिवाइड हो जाता है और जब वो डिवाइड हो जाता है तो वो हमारे पास दो नए सेल देते हैं ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है और आगे जाके मैं इस पर लेक्चर भी दूंगी माइटोसिस म्योस पे। तो माइटोसिस के जरिए ग्रोथ होती है और म्योसिस पर अलग चीज़ है वो फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में काम आती हैं लेकिन जितनी भी सेल्स हैं वो क्या होता है वो पुराने सेल से प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और यूं डिवीजन बार बार डिवीजन से और फिर उन सेल की ग्रोथ से ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाता है फिर कहते हैं सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा यहाँ एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ हेरिडिटरी मटेरियल जो कि जिसको हम डीएनए या आरएनए डीएनए होते हैं हेरीटेटरी मटेरियल और दूसरे कौन से होते हैं आरएनए इनका काम क्या होता है ये मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को किसी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स को क्या करते हैं डिटर्मिन uh, करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं पेरेंट टू डॉटर सेल जब ये हेरीटेजरी मटेरियल किधर होता है सेल के अंदर होता है सेल के न्यूक्लियस में होता है तो जब सेल डिवाइड होता है उसके न्यूक्लियस भी डिवाइड होते हैं तो वो अपने साथ क्या करते हैं वो अपने साथ उस हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं डॉटर सेल में और फिर ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते हैं तो वो भी इसी के प्रो इसी प्रोसेस के जरिए होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट सेलुलर थ्योरी का सेलुलर मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद एन अ सेल जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं यानी फूड की ब्रेकडाउन जो एट द एंड हमें जो एनर्जी देते हैं ठीक है ऐसे ब्रेकडाउन को ऐसे मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन को जो कि फिर हमें एनर्जी देते हैं वो किधर होता है सेल के अंदर होता है वो प्रोसेस ठीक है एक बार जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा दूं कि फोर पॉइंट्स से वो क्या थे एक तो था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइर एक सेल से बने हो, होंगे या मिनी सेल से बने होंगे लेकिन बने वो सेल्स ही, ही है सेल ही उसका बिल्डिंग ब्लॉक है जितनी भी पुरानी सेल्स हैं वो क्या होंगे वो एक खास लेवल तक पहुंच के उनकी डिवीज़न होंगी और डॉटर सेल्स देंगे और ये डॉटर सेल अपने साथ पेरेंट सेल से डीएनए और आरएनए को ट्रांसफर करेंगे जो कि क्या है हेरिडिटरी मटेरियल है हमारे कैरेक्टर्स को डिटरमिन करता है और हेरिडिटरी मटेरियल उसको पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में फिर लेकर जाता है और नेक्स्ट है ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद सेल की जितनी भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस हैं वो सेलुलर लेवल पर होते हैं सो so, आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक and subscribe my channel.